हम तेल डाल देंगे भिंडी बनाने के लिए। प्याज हमारा लाल हो गया है, देख सकते हैं। तो अभी हम डाल देंगे इसमें एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और ये एक छोटा चम्मच लाल मसाला डाल देंगे यानी मिर्ची पाउडर। और हम इसमें ये डालेंगे, ये मैगी मसाला है ना, थोड़ा सा मैगी मसाला डाल देंगे, इससे क्या भिंडी में टेस्ट आ जाता है। अभी हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे इस तरह से ताकि मसाला मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। कटी हुई भिंडी डाल देंगे, कि हमने बीच बीच में इसको इस तरह से चलाया। अब ये पक गया है, थोड़ा सा बाकी है, तो अभी हम इसमें ये डाल देंगे। तो आप इससे क्यों चलाया मम्मी आपने बीच बीच में? वो लपट जाएंगे ना, वो वहीं से चिपक जाएंगे, इसलिए बीच बीच में चलाया। अभी हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक? हाँ, जितनी भिंडी दो बार गिर गया। अभी नमक डालने के बाद हम इसको थोड़ा चलाएंगे, हाँ मिक्स कर देंगे। अच्छा, और ये भिंडी की सब्जी बन जाएगी। किसके साथ खाया जाता है ये? आप मारी बोलते, पराठे के साथ भी खा सकती हो। अच्छा। दाल चावल के साथ भी खा सकती हो। अच्छा, पराठे के साथ में ज़्यादा मस्त लगता है खाने को, और दाल चावल के साथ भी टेस्टी लगता है। देख कितना अच्छा बन रहा है भिंडी, है कि नहीं? अभी खाने का है गरम गरम दो क्या? नहीं नहीं, बस बन के रेडी हो गए ना। बस दो मिनट के लिए ढक देती हूँ, फिर बाद में आपको दिखाते हैं कि भिंडी की सब्जी। हमारी भिंडी झटपट बन के रेडी हो गई है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और ये देख सकते हैं आप, अभी हम गैस को बंद कर देंगे। आप भिंडी देख सकते हैं कि कितना झटपट हमने भिंडी बनाया, कितने आसान तरीके से।